प्रदेश की सरकार लगातार भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए तमाम तरह के सख्त कदम और कार्रवाई कर रही है। वहीं लखनऊ में एक निजी कंपनी के अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों ने विरोध किया। यहां पर मोहनलालगंज की ग्राम अमेठी के किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए अवैध तरीके से निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किसानों का कहना है कि इंफ्रा कंपनी के द्वारा जिला पंचायत का फर्जी नक्शा दिखाकर ग्रामीणों और किसानों से कंपनी ठगी कर रही है। कंपनी से तंग आकर भारतीय किसान यूनियन, लोक शक्ति और ग्रामीणों ने जिला पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर इंफ्रा कंपनी पर कठोर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित किसानों ने कहा है कि हमारी शिकायती पत्र पर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन भी करेंगे। बताया जा रहा है जिला पंचायत से पास है, इसके संबंध में हमने अध्यक्ष जी को ज्ञापन देकर बात की है तो अध्यक्ष जी ने आश्वस्त किया है कि हमारे यहाँ से नक्शा जो है पास नहीं है और इस पर हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। किस चीज़ का नक्शा है और क्या ज्ञापन दिया है? एक हमारे यहाँ गोसाईगंज अमेठी में अवैध प्लाटिंग चलाई जा रही है और मंदाकिनी विहार के नाम से RR कंपनी है, तो उनका कहना ये है कि जब भी बात की जाती है तो उनका कहना है ये नक्शा पास कराया हुआ है जिला पंचायत से, लेकिन उसके संबंध में अभी बात की गई है, देखते हैं अध्यक्ष जी क्या आश्वासन आगे मिलता है, कार्रवाई करते हैं। कब तक किसान यूनियन के द्वारा एक लेटर दिया गया है जो ये बताया गया ग्राम सभा अमेठी UP 32 ढाबा के निकट तहसील मोहनलालगंज में RR इंफ्रा सिटी नाम की एक कंपनी द्वारा मंदाकिनी विहार नाम की एक अवैध टाउनशिप चलाई जा रही है जो ग्राहकों को जिला पंचायत से सैकड़ों बीघा नक्शा पास होने का दावा करती है। पूरी तरह से कृषि योग्य भूमि तथा बिना भूपयोग बदले नियमों के को ताक पर रखकर किया जा रहा है। बताया जा रहा है जिला पंचायत से पास है,